नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो फिनलैंड से रिलेटेड है, न्यू अपडेशंस के बारे में है, ज्वाइंट डिजिटल एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर रहेगी। तो इसमें कुछ न्यू चेंजेस आई हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो क्या है कि फिनलैंड में जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, दे आर टेकिंग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम ट्वाइस इन ए ईयर्स। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है, तो स्पेसिफिक प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली बैचलर के हैं जो इंग्लिश में हैं। तो अभी जो उनका जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है वो आई थिंक सो 19 अक्टूबर को होगा फर्स्ट फेज, जो ऑनलाइन होगा वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में, और 8 से लेकर 10 नवंबर तक जो उनका सेकंड फेज होगा, जिनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, जो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो इनके जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के पोर्टल ओपन होने वाले हैं 4 सितंबर से लेकर ये 14 सितंबर तक ओपन रहेंगे। ड्यूरिंग दैट टाइम्स हमारे पास जो भी केस रजिस्टर्ड हैं उनको हम अप्लाई करेंगे इस जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिन्होंने ये एग्ज़ाम देना है। तो वहाँ पर जो बैचलर का एडमिशन प्रोसेस है डिफरेंट टाइप का है, कुछ डायरेक्ट है, डायरेक्ट मीन सेपरेट अप्लीकेशन है, कुछ जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स में अगर आपने डालना है तो 3 प्रोग्राम्स में आप अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं, लेकिन उसमें एडमिशन लेने के लिए तो आपको उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पहले क्या था, इस इंटेक को हम छोड़ देते हैं, जो पिछले प्रीवियस इंटेक देखते हैं जब से जो फिनलैंड का सिस्टम स्टार्ट है, तो कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को देख सकता था। आपके डजंट मैटर अबाउट योर परसेंटेज कितने हैं, कोई आपकी एज का क्राइटेरिया नहीं, कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज का नहीं है। तो बच्चा अपना एडमिशन इस जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर ब्रेक करता तो वो ले सकता था, लेकिन ड्यू टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पढ़ती हैं, इनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है इस एग्ज़ाम की, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट, बांग्लादेशी स्टूडेंट अननेसेसरी एप्लीकेशन डालते रहते रहे। तो उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने अभी इस एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी हैं। वो कौन सी चीज़ मैंडेटरी है, आईएलटीएस अभी मैंडेटरी कर दिया था। तो मैं वैसे इंटर फिनलैंड हुआ, जहाँ फिनलैंड गवर्नमेंट हुई, जब एजुकेशन ऑफ फिनलैंड हुआ, उनका अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि अननेसेसरी बहुत एप्लीकेशन पड़ती थी। तो अभी क्या है कि आपके पास आईएलटीएस होना मैंडेटरी है अगर आपने इस एग्ज़ाम में बैठना है। डजंट मैटर अबाउट योर परसेंटेज, डजंट मैटर अबाउट योर एज, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आईएलटीएस मैंडेटरी होने के कारण अभी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिड्यूस्ड होंगी। तो अभी क्या है कि इन्होंने आईएलटीएस मैंडेटरी कर दिया है, आपके पास आईएलटीएस में 6 बैंड होने चाहिए, जहाँ आपके पास पीटी 55 होना चाहिए। अगर आपने टॉफल की है तो टॉफल भी आपका एक्सेप्टेबल है, जो कि 60 के अप्रोक्स होना चाहिए। ये 3 जो एक्सेप्टिंग बॉडीज हैं जो उन्होंने एक्सेप्ट की है। अगर आपकी स्कूलिंग, मैं फिर बता दूं, अगर आपकी स्कूलिंग जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गई, या यूरोपियन कंट्री में भी कुछ इन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, वहाँ से है आपकी स्कूलिंग, तो आपको ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडियन सारे स्टूडेंट, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, व्हाटएवर कंट्री के स्टूडेंट हैं, अभी उन्होंने अगर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है तो उनको ये आईएलटीएस मैंडेटरी है डालना पड़ेगा। अभी जो भी बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, क्योंकि कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर दिया था, नहीं हो पाया, जिनके 5.5 थे, जो कहते थे कि हम विदाउट आईएलटीएस ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए दिस इज़ द बैड न्यूज़ है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ ये बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लेना था, तो उनसे मेरी स्पेशली रिकमेंडेशन है कि वो अभी इमीडिएटली अपना आईएलटीएस या पीटी करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, नॉट क्राउन इमिग्रेशन की या एम्बेसीज की है, उनकी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। जो मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं, आने वाले टाइम में वो और चीज़ों को भी फिक्स करेंगे, जैसे इसको उन्होंने फिक्स किया है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, आने वाले टाइम में वो एक मिनिमम ग्रेडिंग का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए। ये मेरी प्रजम्पशंस हैं, तभी आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को अपेयर हो सकते हैं। इवन आने वाले टाइम में दे विल आल्सो इंट्रोड्यूस अबाउट द एप्लीकेशन फीस टू सेट इन दैट एग्ज़ाम, ताकि और एप्लीकेशन का रश कम हो। ये मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं। और इसका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है सेम है जो हम बैंकिंग एग्ज़ाम देते हैं, या स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम देते हैं, या यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, जिस पैटर्न का वो है उसी पैटर्न का है। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इसमें क्या क्या आता है,
उनके भी मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, स्टडी इन फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोज हैं, हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उनमें इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोज देख सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। अभी आते हैं वैकेंसीज के ऊपर और कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं। ह्यूमैनिटीज़ में भी आपको बैचलर इंग्लिश डॉट में मिल सकती हैं, वहाँ पर थ्रू दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में। बिजनेस में आपने कुछ करना है, टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री में कुछ करना है, इंजीनियरिंग में कुछ करना है, नर्सिंग में कुछ करना है, तो यू विल सिट इन दैट एग्ज़ाम जो कि 19 अक्टूबर को ऑनलाइन कंडक्ट होगा। कहीं पर बैठकर भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो हम भी इसमें बच्चों की फुल हेल्प करते हैं, जो भी हमारे पास जितना भी मटेरियल होता है। तो अगर आपने ये एग्ज़ाम अपने लेवल पर भी ब्रेक कर लिया हुआ है, हमसे कोई सेकंड फेज है जिसमें ग्रुप डिस्कशंस रहेगी, आई थिंक सो, वो 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर को होगा। उसमें भी अगर आप हमसे कुछ टिप्स चाहते हैं, हम आपको वो टिप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन केस आपका एडमिशन आ जाता है, उसके बाद वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, फंड्स को किस वे से शो करना है, बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फिनलैंड में पढ़ने के लिए भेजती है। अभी आते हैं नेक्स्ट, जो बच्चे 5.5 बैंड वाले थे, आयल्स नहीं कर पा रहे थे, उनसे फिर मेरी यही रिकमेंडेशन है, वो पाथवे प्रोग्राम ले लें। पाथवे प्रोग्राम है हमारे पास, उनकी भी वीडियोज़ हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उनको कि उनको अपने 30 क्रेडिट एक सेमेस्टर बाई सेटिंग इन इंडिया करना पड़ेगा। उसको अगर वो पास करते हैं 30 क्रेडिट्स को, तो आपकी चॉइस की वहाँ पर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है, बिजनेस में भी मिल सकता है, इवन नर्सिंग प्रोग्राम में भी मिल सकता है। तो उसकी फ़ीस ऑनलाइन एग्ज़ाम ये 30 क्रेडिट का जो अगर आप पाथवे करते हैं इंडिया में बैठ के, 2500 से लेकर 3000 यूरो की फ़ीस है, तो वो एक एडिशनल बर्डन है स्टूडेंट के ऊपर जो वीक है, जो आयल्स करना नहीं चाहते, मतलब आयल्स मतलब 5.5 से ज़्यादा रिवाइज नहीं हो रहा, जिनके PT 55 तक पहुँच नहीं पा रहे, तो उनके लिए एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारे पास कुछ पेड वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, अगर आपके 5.5 बैंड हैं, आपने डेलिंगुअल भी किया है, आयल्स नहीं किया, डेलिंगुअल किया है, 100 है आपके डेलिंगुअल में, 95 आपके डेलिंगुअल में है, तो हमारे पास वोकेशनल प्रोग्राम भी हैं जिनकी फ़ीस अप्रोक्स 11,800 यूरो की है, उनमें भी आप जा सकते हैं। तो अगर आपके आयल्स अच्छे हैं, 6 बैंड हैं और आपके परसेंटेज 70 है, तो आपका डायरेक्ट भी एडमिशन आ सकता है विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आपके लिए डिपेंड ऑन द प्रोफाइल कि आपको हम कहाँ पर डालें, आपको हम पाथवे में डालें या वोकेशनल पेड वाले में डालें, जहाँ आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन में डालें, जहाँ आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पर भेजें, ये सारी चीज़ें क्राउन इमिग्रेशन चेक करता है। तो इवन हमारे पास कुछ ऐसे टेलर मेड प्रोग्राम्स भी हैं जिन्होंने बैचलर की हुई है, जैसे PG डिप्लोमा है, इवन हमारे पास बैचलर का भी टेलर मेड प्रोग्राम है, बट उसमें फीसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप जैसे टेलर मेड प्रोग्राम जो कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट हमने डिज़ाइन किए हैं, उनमें फीसेस ज़्यादा हैं, अगर आप की प्रोफाइल अच्छी है तो आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल सकता है। इवन हमारे पास ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ सेट है, आपने सिर्फ सेट किया, ना आयल्स है आपके पास, ना परसेंटेज अच्छे हैं, आपके पास सेट है, तो हम आपका एडमिशन वहाँ सेट के थ्रू भी करवा सकते हैं। और हमारे पास ऐसे भी ऑप्शंस हैं, आप CBSE IB डिप्लोमा किया है GCSE बोर्ड से, आपनी 12th किससे की है, मैथ से, और आपके परसेंटेज मोर देन 70% है, और मैथ में 70% है, और इंग्लिश में भी 70% है, तो आपका ना आयल्स चाहिए हमें, ना आपका PT, ना हमें सेट है, ना कोई पाथवे, तो आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल सकता है। नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, बट डिपेंड अगेन आपकी प्रोफाइल के ऊपर है। तो ऐसी टेक्निकल चीज़ें वही बता सकता है जिन्होंने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और नंबर ऑफ रेजिडेंसीज हम फिनलैंड की अप्लाई कर रहे हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।